इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द वैल्यू इज, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जो फंड चार्जेस है वो आपसे लेगा 20 करोड़ का 0.1%, दैट इज 2 लाख रुपीस। ये तो वो लेना ही लेना है, इसको कोई आपका फंड का वैल्यू गिरे बढ़े उधर ही रहे, वो आपको 20 CR का 0.1%, 2 लाख रुपीस आपको चार्ज करेगा, दैट इज फॉर श्योर। अब उसने आपको क्या बोला है, अगर आपने उसके सेंटेंस को देखा होगा, उसने बोला मेरे को कितना चाहिए, वो बोलता है अगर मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू, हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू सिंस इंसेप्शन फंड गया था उससे अगर ऊपर जाता है तो आप मुझे एक 2% उसका दे देना। और वो कितना मैक्सिमम ऊपर गया है, आज तक 21 करोड़ ऊपर गया है, आज तक 21 करोड़ ऊपर गया है। तो वो हेज फंड का जो मैनेजर है वो कहता है कि अगर 21 CR के ऊपर गया ना तो जितना भी जाएगा उसका मेरे को आप कितना दे देना, 2%। बराबर। तो अब इधर देखिए, इफ रिटर्न इज 29%, देन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो विल बी 20 करोड़ प्लस 29%, बताइए कितना, 25.8 करोड़। एक्सेस वैल्यू ओवर 21 करोड़ विल बी 25.8 माइनस 21, 4.8 करोड़। बताइए तो क्या आप उसको अब इंसेंटिव फी मिलेगा? यस, सो इंसेंटिव फी विल बी 4.8 करोड़ का 2%, 9,60,000। सो बड़ी उसको टोटल कितना पैसा मिला, एक 2 लैक्स मिलेगा और एक 9,60,000 मिलेगा। सो टोटल फीस विल बी 11,60,000। बताइए सबको क्लियर हो गया? सिनेरियो वन, रिटर्न 29%, सॉर्टेड है, 2 मिनट। अब सिनेरियो टू, कितना रिटर्न है, 4.5%, एंड 2 मिनट में यहां पे देखो क्या कर रहा हूं। सिनेरियो थ्री, व्हाट इज द रिटर्न, नेगेटिव 1.8। मैं 2 मिनट के लिए दोनों सिनेरियो साथ में कर रहा हूं, कैन आई से दोनों सिनेरियो में सामने वाला आपसे फंड चार्जेस तो लेने ही वाला है, विच कम्स टू 2 लैक्स, यस और नो? लेकिन अगर रिटर्न इज 4.5%, देन टेल मी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो विल बी हाउ मच, ट्वेंटी पॉइंट नाइन करोड़। और मुझे बताइए क्या ये 21 करोड़ जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट था उसको एक्सीड कर रहा है क्या? नहीं, उसको एक्सीड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये क्लियर है कि यहां पर उसको इंसेंटिव फी नहीं मिलेगा। सो एज इट डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 21 करोड़, नो इंसेंटिव फी इज पेबल। क्लियर है? पक्का एवरीबडी? अब आपको समझा मैं सिनेरियो टू और साथ में थ्री भी क्यों कर दिया, क्योंकि सिनेरियो थ्री का आंसर भी सेम ही रहेगा। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज ये 20 CR माइनस 1.8% कर आप कर लोगे। श्योर अबाउट दिस? चलिए तीनों सिनेरियोस बराबर से बना लीजिए।
सिनेरियो टू और सिनेरियो थ्री को आप अलग अलग लिखिए। डन एवरीबॉडी। बर्थडे एलेक्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का फर्स्ट बिट मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। मैं चाहूंगा कि आप खुद एक बार ट्राई करें, लेट्स सी। सो मिस्टर एलेक्स अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट 15% रिटर्न कमा लेता है अगर खुद से शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसको लगता है कि अब मैंने म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए जहाँ पर इनिशियल एक्सपेंस 6% है और एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस 2% है। क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है, तो फिर म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा बनाना चाहिए बताइए। कल मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था कि नहीं दिया था, कर पाओगे? सो लेट रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन शेयर्स, यू रिमेंबर बी आर वन, एंड लेट रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बी आर टू। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला बडी? हाँ पीछे देखो आप, बराबर है क्या? देखो तो आ रहा है क्या मेरे को? दैट्स सो नाइस। नहीं सर, देख लीजिए सर, एक बार चेक कर लीजिए। बरोबर, गुड चलिए। तो बताइए डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना बना रहा है? 15, 1/1 माइनस व्हाट इज योर इनिशियल इश्यू एक्सपेंस? फिफ्टीन है ना, प्लस 0.02। सेवेंटीन पॉइंट सेवेंटीन पॉइंट सेवेंटीन पॉइंट 9.5, 17.96 कर लीजिए।
एवरीबडी क्लियर बी बिट मिस्टर एलेक्स करंट एनुअल प्रोफेशनल इनकम इज 40 लैक्स हिज पोर्टफोलियो वैल्यू इज 50 लैक्स एंड अभी ही इज स्पेंडिंग 10% ऑफ हिज टाइम टू मैनेज हिज पोर्टफोलियो इफ ही स्पेंड्स दिस टाइम ऑन हिज प्रोफेशन हिज प्रोफेशनल इनकम विल ऑल्सो गो अप इन द सेम प्रपोर्शन ही इज थिंकिंग दैट ही शुड इन्वेस्ट पूरा पोर्टफोलियो इन टू अ मल्टी कैप फंड अज्यूमिंग द फंड्स एनएवी विल ग्रो एट 13%. क्वेश्चन कहता है मिस्टर एलेक्स ने करना चाहिए ऐसा कि नहीं करना चाहिए सो उसको ऐसा लग रहा है कि उसका बहुत टाइम पास हो रहा है नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा है वो और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है अपने पोर्टफोलियो पर तो उसको लगता है कि अगर मैं ये सब सेक्रीफाइस कर दूँ तो मैं मेरे बिजनेस पर अच्छा काम कर सकता हूँ वहाँ पर इनकम ज़्यादा बढ़ेगा तो वो उसने सोचा है कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ तो इज इट मेकिंग सेंस येस नो क्या लगता है आपको भाई को लगता है कि इट इज मेकिंग सेंस एनीबडी क्या लगता है आपको सो कैन आई से 2 मिनट देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन में प्रोफेशनल इनकम उसका कितना है बराबर प्रोफेशनल इनकम उसका 40 लाख्स है वो तो वो कमा ही लेता है और उसका खुद का 50 लाख का शेयर्स का पोर्टफोलियो है जिस पर अभी हमने फर्स्ट बिट में देखा कि वो 15% तो बोलते हैं मैं ऐसे ही कमा लेता इसका मतलब इनकम फ्रॉम पोर्टफोलियो इज 50 लाख्स का 15% 7,50,000 इसका मतलब टोटल 47.5 लाख्स 47.5 लाख्स ये अभी प्रेजेंटली वो कमा लेता क्वेश्चन कहता है रिवाइज सिनेरियो में क्या हो जाएगा रिवाइज सिनेरियो में अगर उसने ये सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो फिर उसके पास समय ही समय है और वो इस समय में क्वेश्चन कहता है अपनी प्रोफेशनल इनकम सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा देगा मतलब 10% से बढ़ा देगा जहां पर वो अपना 10% समय ये सब मार्केट में अपने जीवन का 10% वो सब ये स्टॉक्स में देखते देखने ऐप में देखने लगाता था वहां पर उसकी 10% से क्या हो जाएगी प्रोफेशनल इनकम बढ़ जाएगी तो मैं अगर देखूं मेरी प्रोफेशनल इनकम अब मेरी प्रोफेशनल इनकम 40 लाख थी अब वो 10% से बढ़ जाएगा तो वो 44 लाख हो जाएगा और मैंने क्या किया मेरा पूरा पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर दिया कहां पर मल्टी कैप में वो मुझे कितना लाके देंगे 13% विच कम्स टू 6.5 लाख रुपए वहां से आएगा तो टोटल कितना हो रहा है 50.5 लाख्स लो बोलो इसका मतलब इट इज मेकिंग सेंस इन द रिवाइज सिनेरियो आपकी जो इंक्रीमेंटल इनकम आ रही है ऊपरी ऊपरी इनकम बढ़ गई आपकी कितने से बढ़ गई 3 लाख रुपए से तो क्या एलेक्स ने ये कर देना चाहिए कर देना चाहिए चलिए लिख लीजिए प्लीज
बरोबर एवरीबडी सबका आया नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज रिपीट ये पहले एक बार हो चुका है चेक करो शायद कहीं पर क्वेश्चन 29-30 का जैसा है ये एक बार चेक करो ये क्वेश्चन शायद 29 जैसा है दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन एक बार चेक कीजिए और मुझे एग्जैक्ट बताइए कौन सा नंबर है समवेयर अराउंड 28-29-30 30 दिस इज सेम एज 30 अमाउंट भी सेम है यस मैम सेम एज 30 ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 ये क्वेश्चन सोच रहा था कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में ले लूं बट मैंने सोचा कि ठीक है अब ले लेते हैं तो इसमें एक छोटा सा कैन यू सी दिस वी विल सी दिस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज आर स्क्वायर ओके पक्का एवरीबडी मतलब अगर आपको समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ इतना सिर्फ आप समझ लीजिए अभी श्योर अबाउट दिस एवरीबडी तो क्या क्या डिटेल्स दिया है देखिए ग्रोथ बैलेंस रेगुलर और मार्केट अब उसमें एवरेज रिटर्न दिया है वेरिएंस दिया है और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी दिया हुआ है द यील्ड ऑन 182 डे ट्रेजरी बिल इज 9% क्वेश्चन कहता है आपको शार्प और ट्रेनर्स रेशो से रैंक करना है कंपेयर करना है मार्केट के साथ कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है तो अब मेरे को बताइए एक एक कर कर हम करेंगे सबसे पहले एवरीबडी नोज अपना वेरियंस में काम नहीं होता है वेरायंस में काम नहीं होता है अपने को क्या चाहिए होता है स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा निकालने का रूट करना पड़ेगा रूट यस स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए तो चलिए सबसे पहले सबका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लीजिए एक एक कर कर बताइए मुझे सॉरी 9.6 7.4 6.4 ओके एंड 7.6 बराबर कर लीजिए पहले अपने बुक्स में कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और सबका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लीजिए पहले सबका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लीजिए बराबर है वेरिएंस का रूट अब एक बार आपके पास सबका स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया तो मेरे को बताइए क्या हम सबका शार्प रेशो निकाल सकते हैं क्या सबका शार्प रेशो निकालना संभव है क्या नहीं तो जैसे मुझे ग्रोथ फंड का आप बताएंगे मेरा रिटर्न कितना है 7 एंड रिस्क फ्री रेट 9 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 9.6 सो मेरा शार्प रेशो नेगेटिव कितना आ रहा है नहीं बोलने वाले लोग -0. ऐसा सबका हम लोग शार्प रेशो निकाल सकते हैं चलिए जल्दी से निकाल लीजिए एक लाइन छोड़कर कैलकुलेशन ऑफ शार्प रेशो बताइए बैलेंस का कितना पॉइंट
0.405 एंड देन 0.625, शून्य, मार्केट का शून्य, बिकॉज रिटर्न इज 9 एंड रिस्क फ्री इज ऑल्सो 9। क्लियर है? नेक्स्ट, अब एक बार आपका शार्प आ जाए तो अब हमें क्या चाहिए, ट्रेनर्स रेशो चाहिए, बराबर है? और ट्रेनर्स रेशो के लिए आपको याद है हमें क्या चाहिए, बीटा, बट हम बीटा भी नहीं है यहाँ पर, तो आपको मालूम है बीटा निकालने का एक फॉर्मूला था हमारे पास, क्या फॉर्मूला था, कोरिलेशन कोइफिशियंट हमें चाहिए, बराबर है? यस और नो? तो कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशन पहले निकालना पड़ेगा। चलिए, तो अगर समझो सबसे पहले कोइफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ग्रोथ फंड का दिया हुआ 0.3025, तो कम ऑन 0.3025 इनटू 0.3025 दैट कम्स टू 0.3025 इनटू 0.3025 कितना आ रहा है, 0.3025 और इसका क्या दिया हुआ है 0.3025, तो अगर ये आर स्क्वायर है तो द आर हैज टू बी 0.55। सेकेंड का क्या है मैम, पहले वो बोलते क्या कितना है 0.6561, 6561 अगेन, तो आर इज इक्वल्स टू 0.81, बराबर है? एंड वैसा ही थर्ड का भी, तो पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, बराबर है? पहले हम लिखवा देता हूँ आपको एक लाइन छोड़कर, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ट्रेनर्स रेशो कॉमा वी विल रिक्वायर बीटा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ट्रेनर्स रेशो वी विल रिक्वायर बीटा, नेक्स्ट लाइन, बट फॉर्मूला ऑफ बीटा इज आर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, बराबर है? फिर नीचे लिखेंगे बट इन द गिवन केस वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ आर, बरोबर? अब नेक्स्ट लाइन, देखो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, नेक्स्ट लाइन, देखो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बरोबर है? वैसे नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर कैलक्यूलेशन ऑफ आर, और जैसे मैंने पहले म्यूचुअल फंड का निकाला हुआ है, ऐसा भी आप हेडिंग डाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ आर एंड बीटा, और हम लोग क्या कर लेंगे, एक टेबल ही बना लेंगे, ग्रोथ बैलेंस रेगुलर ना फंड ग्रोथ बैलेंस रेगुलर, फिर आपके पास क्या है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, पहले तो मैम मुझे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 3025, हाँ 96, अब इससे अपने को आर मिल जाएगा, बताइए, हाँ हाँ अब एक बार आर मिल गया तो क्या हम बीटा भी निकाल सकते हैं,
सो इसका आर अगर 0.55 है, बताइए ग्रोथ का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था? आपने अभी ऊपर शार्प में निकाला था 9.6, और मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन 7.6, तो व्हाट इज द बीटा? पॉइंट 6 9 5, ठीक, उसका ही अभी ऐसे ही 0.81। बताइए नेक्स्ट, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था? गेट मी द बीटा। ऐसा 0.98 इनटू, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था? 0.825। चलो सबका प्रॉपर ऐसा टेबल बना लो जिसमें आपको फंड भी आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा और बीटा भी आ जाएगा। और एक बार आपको बीटा मिल गया तो फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है? ट्रेनर्स रेशो। चलो ट्रेनर्स रेशो, ट्रेनर्स रेशो। सो ग्रोथ बैलेंस एंड रेगुलर। मैम रिटर्न कितना है इसका ग्रोथ का? 7 - 9 / 6 - 9 = 5, 2 point। फिर इसका रिटर्न 3 point। हाँ एट फोर, सब लोग देख लीजिए। अब आपको रैंकिंग भी करना है शार्प और ट्रेनर्स के हिसाब से, यस और नो? अभी जैसे ये ट्रेनर्स है तो बताइए रैंकिंग किसका सबसे पहले जाएगा? वेरी गुड, ग्रोथ को फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, बिकॉज नंबर लाइन -2 इज ग्रेटर देन -3 एंड हायर द रेशो बेटर इट इज, यस और नो? बना लीजिए। आई होप आपने शार्प की भी रैंकिंग करी है और ट्रेनर्स की भी रैंकिंग करी है। नहीं करी? करी। मार्केट का हमेशा जीरो ही है ना, मार्केट का बीटा इज ऑलवेज वन। मार्केट का बीटा क्यों वन रहता है? बिकॉज मार्केट मार्केट के हिसाब से कैसे चलेगा? और हमेशा रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा क्या रहता है? जीरो। ये भी कहीं लिख दीजिए, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा इज ऑलवेज जीरो और मार्केट का बीटा इज ऑलवेज वन। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा इज ऑलवेज जीरो और मार्केट का बीटा इज ऑलवेज वन।
वेरी नाइस क्वेश्चन दिस, इफ यू कुड सॉल्व मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 43, तुम्हें इतना छोटा लगता है वो, है नहीं वैसा, बड़ा धमाका है। क्वेश्चन 43 आइए, नॉर्मल वाला पार्ट है अपना, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है। लेट्स सी। सो ड्यूरिंग द ईयर 2017 एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में, द कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड फॉर द ईयर वॉज 3 रुपीज, विच वॉज री इन्वेस्टेड एट द ईयर एंड एनएवी ऑफ 23.75। द इन्वेस्टर हैज टोटल 26,750 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। द एनएवी हैज अप्रिशिएटेड बाई 18.75% एंड देयर वॉज ऑल्सो एन एंट्री लोड ऑफ 0.05 एट द टाइम वेन द इन्वेस्टमेंट वॉज मेड। द इन्वेस्टर हैज लॉस्ट ऑल द रिकॉर्ड्स एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड वॉट वॉज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड एंड वॉट वॉज द एंट्री लोड इन दैट म्यूचुअल फंड। चलिए कैसे करेंगे अब, बहुत मजा आने वाला है। आपको क्वेश्चन का ब्यूटी समझ में आ रहा है? मतलब वो ऐसा भी है कि बीच में आपको डिविडेंड आया है, आपने उस डिविडेंड पे री इन्वेस्ट भी किया है, आपको यूनिट्स भी आए होंगे और यूनिट्स आने के बाद टोटल यूनिट्स 26,750 है। तो इट्स लाइक आपको पूरा रिवर्स जाके ढूंढना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स थे, फिर वो क्या भाव से इन्वेस्ट हुए थे। हाँ तो अभी कैसे करने का। सो नाइस, तू ही दाता कर ले। अभी क्या बोल रहे सर? ओपनिंग एनएवी सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी, बराबर है सर? कैसे करेंगे ओपनिंग एनएवी कैसे फाइंड? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एनएवी एट द बिगिनिंग, कैन आई से अगर क्लोजिंग 23.75 है और अप्रिसिएशन 18.75 है, मतलब 118.75% से डिवाइड करेंगे तो मुझे मेरा ओपनिंग एनएवी मिल जाएगा 20। ये समझा गया सबको कैसे किया हम? अरे अगर 100 रुपए की चीज आज 18.75% चढ़ गया, मतलब 100 रुपए की चीज अगर आज 118.75 हो गई और आज वो 118.75 वाली चीज 23.75 एक, तो पहले कितने की थी? मैं ये भी ऐसे डायग्राम में बना के दे सकता हूँ, 100 रुपीज की चीज एक साल बाद 118.75 की हो चुकी है और अगर आज वही चीज का एनएवी 23 है तो उसका एनएवी पहले कितना होगा? 20, बरोबर। तो ये तो क्लियर हो गया कि मैं ओपनिंग एनएवी 20 रुपीज था, ये क्लियर है। अब और आगे क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या ये ढूंढ सकते हैं? देखो बड़ी, आपको भी समझ रहा है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, ओपनिंग एनएवी इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स अगर मिल गए तो मुझे मेरा परचेज मिल जाएगा। तो अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ओपनिंग में यूनिट्स कितने थे, ये कैसे ढूंढोगे, ये कैसे ढूंढोगे कि मेरे पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स थे? ओके ये देखिए, लेट नंबर ऑफ ओपनिंग यूनिट्स देख लीजिए पहले बी एक्स, बराबर। मेरे को नहीं मालूम है कितने यूनिट्स है मेरे पास, एक्स पकड़ते हैं। अच्छा ये तो मालूम है ना कि आज आपके पास कितने यूनिट्स है, 26,750 यूनिट्स है। इक्वेशन देखो मेरा कैसा है, मुझे नहीं मालूम मेरे पास कितने यूनिट्स थे पर जितने भी थे वो सारे यूनिट्स पर मुझे 3-3 रुपए डिविडेंड मिला जो मैंने 23.75 पे इन्वेस्ट किया, तो मुझे और एडिशनल यूनिट्स आए और वो एडिशनल यूनिट्स बन के 26.75। ये समझ गया क्या किया हम? आई कैन फिर से एक्सप्लेन, एक्स इज द ओपनिंग यूनिट्स, इतने यूनिट्स थे मेरे पास प्लस फिर जितने यूनिट्स थे इंटू 3 रुपए विल गिव मी द टोटल डिविडेंड अमाउंट divide by the NAV at which it was reinvested will give me the additional units plus opening units will give me total units. Can I say this is nothing but
टोटल यूनिट्स, दिस इज नथिंग बट ओपनिंग यूनिट्स एंड दिस इज नथिंग बट एडिशनल यूनिट्स जो तुमको मिले, सही है कि नहीं? तो इससे तुमको क्या मिल जाएगा? ओपनिंग यूनिट्स 23,750 कह रहे हैं मैम, सबका आ रहा है क्या? देख लीजिए, नहीं वो बोल रहा है मेरा नहीं आ रहा, 23,750। आप बताइए, वो बोल रहे अब तो नहीं झुकेगा, 23,750 यार, भाई भी बोल रहे 23,750, मैम के लिए रुकेंगे? सर वो एक्स को बेचारे को पहले ऐसा इधर जा नहीं पाएंगा जब तक एक्स से मल्टीप्लाई नहीं होता। 23,750 यूनिट्स आ रहा है, अरे बड़ी परफेक्ट। अब मुझे बताइए क्या 23,750 इंटू 20 कर दूंगा तो मुझे मेरा परचेज अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एंट्री लोड भी है तो मेरे को ढूंढ पहले करना पड़ेगा, परचेज प्राइस इज ओपनिंग एनएवी प्लस एंट्री लोड। व्हाट इज माय ओपनिंग एनएवी? 20। एंट्री लोड दैट इज 20.05। देयरफॉर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 23,750 इंटू 20.05, दैट कम्स टू 20.05। एवरीबॉडी बोलो बर्थडे। और क्वेश्चन ने लेकिन आपको सिर्फ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा है, और एक चीज भी पूछी लास्ट में, क्या? के एंट्री लोड कितना दिया था? तो कॉमन सेंस, कैन आई से 23,750 यूनिट्स इंटू 0.05? ये आपका एंट्री लोड था। श्योर अबाउट दिस? पक्का? चलिए बना लीजिए प्लीज, यहां से शुरू होता है वो।
चलिए डन, आया सबको ये? वेरी नाइस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, विल टेक अ बिग क्वेश्चन नाउ। यस, बहुत मजा आने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 38, 38, 38, क्वेश्चन नंबर 38। सो सुनिधि इज वर्किंग विथ एन एमएनसी एट मुंबई एंड शी इज वेरी मच वेल वर्स्ड विद द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड वॉन्ट्स टू टेस्ट वन ऑफ द टेक्निक ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड विच शी हैज कंस्ट्रक्टेड एंड शी वॉन्ट्स टू कंपेयर द गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम अ पैसिव बाय एंड होल्ड। द फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटीज ओनली एंड द एंडिंग एनएवीज कंस्ट्रक्टेड फॉर द लास्ट 10 मंथ्स। तो आपको लास्ट 10 मंथ्स का वगैरह सब देख के रखा है। अज्यूम सुनिधि हैज इन्वेस्टेड अ नोशनल अमाउंट ऑफ 2 लैक्स इक्वली इन द इक्विटी फंड एंड अ कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो इन द बिगिनिंग ऑफ डिसम्बर 2008 एंड द टोटल पोर्टफोलियो वॉज बीन रीबैलेंस्ड ईच टाइम द एनएवी इंक्रीज और डिक्रीज बाय 15%। सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वॉट विल बी द वैल्यू फॉर ईच लेवल फॉलोइंग दिस कॉन्स्टेंट रेशियो प्लान। सो बहुत आपको समझा होगा, मुझे पूरी गारंटी है, भर भर के समझा है। सो पहली बात, आपको ये वाला समझता है क्या? व्हाट इज दिस? पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? एक बार इन्वेस्ट करके भूल जाने का, देखने का इच नहीं क्या हो रहा, आज मार्केट गिर रही तो मैं पैसे और लगाता, मार्केट चढ़ रही तो मैं निकालता, एंड वाइस वर्सा। इसको बोलते पैसिव होल्ड एंड बाय स्ट्रेटेजी। सुकून में पैसे डाल देने का, 25-30 साल देखने का इच नहीं, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप बिलियनर बन गए। ये एक स्ट्रेटेजी। दूसरा स्ट्रेटेजी, ये कौन है? ये सुनिधि। ये देखो इसको क्या करने का है, लेकिन इसको एक्टिव पोर्टफोलियो चलाना है। एक्टिव पोर्टफोलियो का मतलब क्या? बार बार पैसे निकालो, मार्केट में लगाओ, मार्केट से निकालो, रिस्क फ्री जगह पे लाओ। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, यू कंटिन्यूअसली चेंज द पोर्टफोलियो, तो दैट इज कंसिडर्ड एन एक्टिव स्ट्रेटेजी। सो सुनिधि वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड कि क्या पैसा बनता है, नहीं बनता है, कि मैं बनती हूँ, कैसे, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किसका पोपट होता है। तो अभी आपको समझना क्या है यहाँ पर, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए। सुनिधि के पास पैसे कितने हैं मुझे बताइए, हम साथ साथ करेंगे। मैं पहले बता दूं, पूछ बता दूं मुझे कि कितने? 2 लैक्स है। और आपने यहां पर ये वाली वो शब्द को देखा क्या? क्या आप सबने यहां पर ये शब्द को देखा? उसने बोला कि मैं इक्वल पैसा डाल देती हूँ इक्विटी में और कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, मतलब बॉन्ड्स, मतलब उनको ये बोलना है कि ऐसी चीज जो स्टॉक मार्केट के साथ नहीं चलती। तो वो 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डालेगी और 1 लाख रुपए वो कहां पर इन्वेस्ट करेगी? कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में, मतलब बॉन्ड्स में, जहां पर उसको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहे। क्या आपके डोके में ये बात जाती है? श्योर अबाउट दिस? तो मुझे सबको एक एक लिख लीजिए, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एज पर कॉन्स्टेंट रेशियो प्लान। हाँ, वो लर्न करने का। बरोबर, और इतने कॉलम्स पहले बना लो। एनएवी, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, टोटल, एंड यूनिट्स अवेलेबल।
बरोबर, एवरीबॉडी। अब सब लोग इधर, एक पहला एक मैं करेगा, फिर आप एक करना, हम साथ में करेंगे। इधर देखो, सबसे पहले दिसंबर में जब ये शुरू हुआ गेम, तो एनएवी क्या थी और उसने कंजर्वेटिव में कितना पैसा डाला था? 1 लाख, एग्रेसिव में 1 लाख, टोटल ऐसे पैसे 2 लाख। तो अब जब एग्रेसिव में 1 लाख रुपए डालना है, जब एनएवी 40 रुपए चल रही होंगी, तो उसको कितने यूनिट्स मिले होंगे? तो उसने वो टाइम पर 2,500 यूनिट्स बाय किए होंगे, मतलब उसके पास 2,500 यूनिट्स है। ये दिसंबर का हो गया। यहां तक सबने बराबर से समझ में आया क्या? मैं 1 महीना कर रहा हूं, फिर आपको बोल रहा हूं कि आप 1 महीना करो। 1 लाख रुपए बॉन्ड में डाले, 1 लाख रुपए मार्केट में डाले, ऐसे मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं। जो मार्केट में डाले 1 लाख रुपए, 40 रुपए एनएवी के हिसाब से, मतलब मुझे 2,500 यूनिट्स आए, मैंने लिख दिया मेरे पास 2,500। क्लियर है? इतना आप भी लिख के रेडी रहिए कि भाई अपना दिसंबर खत्म हुआ। दिसंबर वाला पार्ट खत्म हुआ, बरोबर है। अब जनवरी, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जनवरी में एनएवी क्या हो गई? कुछ भी क्या बोलना, 25 रुपए, बरोबर है। अब मेरे को बताइए, 25 रुपए हो गए, आप ऐसे आगे भागना नहीं, अपना कंजर्वेटिव का वैल्यू क्या रहेगा मैम? वेरी गुड, पहले देख लीजिए 1 लाख रुपए। और एग्रेसिव की वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी ना सर। आपके पास कितने यूनिट्स थे? और आज अगर एनएवी 25 हो गई, तो 2,500 × 25, सॉरी 62,500, तो मेरे टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी? 162,500। सही है कि नहीं? अब अगर क्वेश्चन में आपने देखा, एक लाइन क्लियरली लिखी है, मैं मेरे पोर्टफोलियो को चेंज तभी करूंगा जब मेरी एनएवी 15% से ऊपर या 15% से नीचे जाएगी। तो अभी तो 40 रुपए थी, 40 में से 15% हटा दो, 34, और ये तो 25 हो गया, 15% से भी ज्यादा नीचे चला गया, मतलब मेरे को इसमें चेंज लाना पड़ेगा। अब मैं चेंज क्या करूंगा? मेरा टोटल वैल्यू आप सबने देखा 162,500 आया। अब मुझे फिर से इसको क्या करना है? कांस्टेंट रेशो प्लान। कांस्टेंट रेशो प्लान मतलब जितना भी अमाउंट है, मुझे अब दोनों में, कंजर्वेटिव में और एक्टिव में, हाफ ऑफ कर देना। आप इधर देखेंगे तो 162,500 का हाफ कितना होता है? 81,250, 81,250, ऐसे करके 162,500 होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? धीरे धीरे सर, इतने महीने कहीं ना कहीं, तो कोई ना कोई महीने में तो समझेंगे ही, बिल्कुल डरनो नहीं। ये समझा क्या? 162,500 को आपने डिवाइड कर दिया, मतलब क्या हो गया? अब मुझे बताओ, किसका एलोकेशन बढ़ गया? कंजर्वेटिव का बढ़ गया कि एग्रेसिव का बढ़ गया? एग्रेसिव का कितने से बढ़ गया बताइए, कितने से बढ़ गया? एग्रेसिव का कितने से बढ़ गया या कंजर्वेटिव का कितने से घट गया? एक ही बात होती, 19,250 से बड़ा, मेरे को 18,250 लग रहा है, 18,750 लग रहा है। सर एक बार आप क्या करें, 1 लाख माइनस 18 कर दी, सर कर दीजिए मेरे लिए, 1 लाख माइनस 81,250 कर दीजिए, 18,750 आ रहा है क्या मैम? आपका भी और ये दोनों का भी डिफरेंस ले लो, 62,500 और 81,250, वही रहता है, मैं क्या करूंगा? तो बताइए कितना पैसा आपने कंजर्वेटिव से निकाला? 18,750। और एनएवी क्या चल रही थी? 25 रुपए। तो आपको और यूनिट्स लेने होंगे ये महीने, बाय 18,750 डिवाइड बाय 25, बताइए 750 यूनिट्स। तो आपके अब टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 3,250। ऐसे खत्म होता है जनवरी। बिंदास आराम से लिखो तो भी चलेगा, पहले देख लीजिए। अभी कोई ऐसा साथ साथ लिखने की भी गाई नहीं है मैम, सबको समझा। अब एक और 1 महीना करेंगे, उसके बाद कौन सा महीना? फरवरी। 36 से एनएवी बराबर है,
सर कंजर्वेटिव की वैल्यू चेंज होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी, तो 81,250 तो 81,250 ही रहेगा। सो नाइस, 81,250 था आखिरी, तो 81,250 ही रहेगा। लेकिन मुझे बताइए एग्रेसिव की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। अब आपके पास पहले कितने यूनिट्स थे? 3,250 यूनिट्स, और आज एनईवी क्या चल रही है? 36। 3,250 इंटू 36 1,17,000। तो टोटल कितना आ रहा है? 198,250। कितना सही हो रहा है? अब मैं फिर से चेंज करूंगा, अगर 15% से हुआ होगा तो पहले 25 रुपये एनएवी थी, 25 में 15% जोड़ो, 28.75। ये तो 36 चली गई, 15% से ऊपर चला गया, इसका मतलब मुझे फिर से खेलना पड़ेगा। अब 198,250 है, 198,250 का हाफ करो 99,125, 99,125, 198,250। अब एलोकेशन किस तरफ बढ़ा? कंजर्वेटिव से निकाल के एग्रेसिव में डाला, कि एग्रेसिव में निकाल के कंजर्वेटिव में डाला? एग्रेसिव से पैसा निकाला, कितना निकाला? 17,875 पैसा आपने निकाला। निकाला मतलब यूनिट्स बाय किए कि रिडीम किए? रिडीम। तो जो भी आपने अमाउंट बोली डिवाइड बाय 36। अब समझ रहा मैं क्या बोल रहा था? कोई ना कोई महीना तो, फेब्रुवरी तो वैसे भी बहुत अच्छा महीना आता है। बताइए व्हाट इज द अमाउंट, बताइए अमाउंट मैम। मैम अमाउंट, अमाउंट अमाउंट कभी बताइए, ऐसा कोई घाई नहीं। 1/17,875 डिवाइडेड बाय 36, 4 डिजिट मैम, 5,2। तो अब मेरे पास यूनिट्स कितने रहेंगे? 32 आएगा, वो तो आएगा। मुझे बताइए कंजर्वेटिव की वैल्यू चेंज होंगी क्या? नहीं, वो तो सेम ही रहेंगी। लेकिन एग्रेसिव की वैल्यू चेंज होंगी क्या? होंगी। तो जितने यूनिट्स दिख रहे हैं, 2,753 इंटू 32 एनएवी, 88,111। क्या बात है! और टोटल बता दीजिए। वन एट सेवन टू थ्री सिक्स पॉइंट वन। अब मुझे देखना पड़ेगा क्या मुझे कुछ करना है क्या? तो 36 पहले एनएवी थी, अब 32 हो गई। 36 में से -15%, मतलब 15% जितना गिरा ही नहीं है। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एक्शन में लिखेंगे नो एक्शन। आपके जितने यूनिट्स थे उतने ही रहेंगे, ये मंथ खत्म हो गया। कैसा लगा? अप्रैल 38। अब 38 हो गया, तो आपका कंजर्वेटिव की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। और अब एग्रेसिव की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आपके पास जितने यूनिट्स है इंटू 38, 104,631.94। कैन यू जस्ट टेक द टोटल? आई विल बी हैप्पी। बरोबर। अब परत मला बघावं लागणार, तो 32 में 15% ऐड करो, हैला उसके ऊपर चला गया, मतलब मुझे यहां पर फिर से अब एक्शन लेना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो का हाफ कर लो, 101,87, ऐसा 101,878.47, 2,03,756.94। बताइए, पैसे एग्रेसिव मधुन
कंजर्वेटिव ला ले कि कंजर्वेटिव से एग्रेसिव गया? एग्रेसिव मिकमी कहाँ को बोल रहे हो कि एग्रेसिव से कंजर्वेटिव में पैसे आए, तो आपने बेचे यूनिट्स के खरीदे, सेल करे, डिफरेंस बोलो अमाउंट का। 27 पक्का ना मैम? धक धक हो रहा है मुझे को। डिवाइड बाय 38 बताइए कितना? 72.4597 यूनिट्स। इतने यूनिट्स बेच दिए तो बताइए कितने कम हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 2681 पॉइंट ऐसा। मे बिल्कुल कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि अब हम करेंगे मे, तो मे का कितना है? 37। मुझे बताइए 37 अगर है तो मेरा कंजर्वेटिव तो कैन यू टेल मी मेरा एग्रेसिव का वैल्यू क्या रहेगा? 2681.0125 इंटू 37, 99197। एंड मैम टोटल नाइन। अब 38 रुपीज से 37 हुआ, ये 15% के अंदर ही मालूम है मेरे को, तो इसका कोई भी एक्शन लेने का तो यहां पर यूनिट्स अपने। सो नाइस, बताइए जून 42। अब ये वैल्यू तो सेम ही रहेगा, बताइए एग्रेसिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल बैठो बैठो, अरे भाई बैठो, मंगाता हूँ ठंडा मंगाता हूँ, बैठो। 2144 चलेगा, धनिया वगैरह डाल देता उसमें, और ऐसे कैसे बोले डन कर दो बोले। 214481 बराबर है 37 में 15% जोड़ो, 40। अच्छा मतलब अंदर ही है तो कुछ भी करना नहीं है, नो एक्शन। 2681.0125 हाँ जुलाई, ये तो सेम ही रहेगा, इसका वैल्यू चेंज होगा बोलो। 115283 ओके टोटल। नो एक्शन एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स विल ऑल्सो बी सेम। नेक्स्ट क्या है? अगस्त, टेल मी अगस्त 50। हाँ 101878.47, चलो एग्रेसिव का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 2681.0125 इंटू 50। टोटल हाँ 43 में 15% ऐड करो, सॉरी नहीं ना आगे गया ना मैम, 43 में 15% ऐड करेंगे तो आपका आ रहा है 49 पॉइंट समथिंग, और ये तो 50 चला गया, मतलब अब चेंज करने का समय आ गया है, मस्त चल रहा है। बताइए डिवाइड कर दीजिए, और भगा रहे बोले अब कितने कितने, तू आगे बढ़ आगे बढ़, डिवाइड करो 2 से मैम, फिर से देख लीजिए ये। हाँ पैसा कहां से कहां गया? एग्रेसिव से कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव से एग्रेसिव, मतलब आपने क्या किया? बेचा, कितना डिफरेंस है अमाउंट में पे?
और एनएवी चल रही है 50, हाउ मेनी यूनिट्स, 321 पॉइंट, टेल मी कितने यूनिट्स बच गए अब मेरे पास, 2359.29। और अब एक आखिरी बचा है महीना, मेरे पास तो अब जगह ही नहीं है। अरे बाप रे, ऐसे कैसे जगह नहीं है, करके दे जल्दी। 52, बताइए, 11796.45, द वैल्यू ऑफ एक्टिव विल चेंज, 2359.29 इंटू 52, 122683, एंड द टोटल मैम 240। ऐसा ना, पहले थिंक, इज देयर अ नीड फॉर अ चेंज, 50 रुपये में 15% 7.5 रुपये होता है ना, ये तो कुछ भी चेंज नहीं हो, मतलब कुछ भी नहीं करना है, मेरे पास यूनिट्स 2359.29 ही रहेगा, कस वाटल छान वाटल, बरोबर है पक्का? तो ये ऐसा है, अब एकदम आराम से 3-4 घंटे ले लीजिए, बना लीजिए प्लीज एकदम अच्छी तरह से। चलिए डन, सबने बना लिया अच्छी तरह से एवरीबॉडी, तो एक लाइन छोड़कर सिर्फ लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, व्हाट इज द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, इट इज 240647, 240647। नेक्स्ट लाइन, चलिए अब नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़कर, इन केस, क्या नाम है इसका, इन केस सुनिधि वुड हैव ऑप्टेड अ पैसिव स्ट्रेटेजी ऑफ बाय एंड होल्ड, अ पैसिव स्ट्रेटेजी ऑफ बाय एंड होल्ड, तो क्या वैल्यू हो जाती थी आज, बताइए क्या वैल्यू हो जाती थी आज, टू लैख सिक्सटी, यस और नो? क्योंकि अगर उसके पास 2 लाख रुपए हैं और उसने प्रॉपर सिर्फ इक्विटी में डाल के रख दिया होता तो उसको तब कितने यूनिट्स मिलते, 2 लाख डिवाइड बाय 40, विच कम्स टू 5000 यूनिट्स, और बाद में वो 12 महीने कुछ करती ही नहीं, एंड में एनएवी क्या आती, 52, तो 5000 इंटू 52 कितना हो रहा है, 2 लाख 60, तो वो अच्छा पैसा बना के देता एज कम्पेयर टू ये ऐसा 1-1 लाख अलग अलग चीज में डालना, तो ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, इन 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 केस ऑप्टेड ऑफ बाय एंड होल्ड, देन इन सच केस द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शी वुड हैव रिसीव्ड इनिशियली, द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शी वुड हैव रिसीव्ड इनिशियली, द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शी वुड हैव रिसीव्ड इनिशियली वर 2 लाख डिवाइड बाय, डिसम्बर में एनएवी 40 रुपीज था तो उसको तब कितने यूनिट्स मिलते थे, 5000 यूनिट्स, बरोबर?
नेक्स्ट लाइन, देयर वुड बी नो एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स. देयर वुड बी नो एक्शन एज टू बाइंग एंड सेलिंग फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स. नेक्स्ट लाइन, इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर, इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर एनएवी बीन 52, एनएवी बीन 52 कॉमा द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो विल बी, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो विल बी 5000 यूनिट्स इंटू 52. That comes to 2,60,000. Clear? Pakka? Everybody? Chaliye. One more question. Last question. Very big question. And before we come to that question, acha badi, question number 46 is a valuation of bonds question. Valuation of bonds chapter jab khatam hoega na, uske baad hi hum kar sakte hain. Please, valuation of bonds uske left hand side mein likh dijiye. वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स चैप्टर, एक बार आपका वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स चैप्टर आ जाए उसके बाद ही 46 होता है. अब क्वेश्चन नंबर 48 पर आइए, बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 48 थोड़ा लंबा है बट वर्थ इट है. क्वेश्चन नंबर 48, आपको ये क्वेश्चन को देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन को देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? याद है, होमवर्क सम दिया था मैंने, जो आपने किया नहीं किया, बट इस प्रश्न ने हिला के रख दिया सबको. अगर आप देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन एक क्लास में पूरा किया है 40-45 मिनट्स, ग्रोथ डिविडेंड बोनस, फिर ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था. अगर आपको सारी बातें याद है तो, अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, बड़ी प्लीज फोकस, ओपनिंग ही गायब है. मालूम ही नहीं है क्या रेट पर इन्वेस्ट हुआ. कैसे पता चला? ये देखिए, इस दिन पर मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया था और वही गायब है कि कितना एनएवी था. मतलब उसके बाद तो आप देख सकते हैं, 3 बार डिविडेंड हो गया, 2 बार बोनस हो गया, और ये डब्बा देखिए, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया. यहाँ पर प्रॉफिट में बोला है, यहाँ पर यील्ड में बोला है. क्वेश्चन कहता है, तू मेरे को पूरा रिवर्स जाके बता कि मेरा स्टार्टिंग एनएवी क्या था. बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा. अतकश्य कराइच, ये मस्त है तुम्हारा आंसर ना सबका. लेट दिस बी एक्स, और अब कर चालू, मतलब मिच पे फेंक देते हो तुम लोग. कैसे करेंगे बताइए. आपको याद है वो जो क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था, वो 124 मंथ्स का था. हमने सबसे पहली चीज वो देखी थी कि कितने समय का है, 10 साल और 4 महीने का है, राइट? मेरे साथ थोड़ा थोड़ा हम भी समझेंगे, साथ में करेंगे. अगर इन्वेस्टमेंट ये तारीख पर हुआ है और आप देख सकते हैं कब तक चल रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है कि 5 साल का ये पूरा गेम है, 5 साल ये चलने वाला है. एग्रीड है मेरे साथ सब लोग? अब इधर देखिए, अगर कोई कहता है, सब लोग इधर ही देखते बोर्ड पे, अगर कोई कहता है कि मेरा एवरेज प्रॉफिट, मैं पहले डिविडेंड वाली स्कीम का बात कर रहा हूं, मेरा एवरेज प्रॉफिट अगर 27,748.6 है, एवरेज प्रॉफिट मतलब हर साल का, और ये पूरा पीरियड कितने साल, 5 साल का है, तो मतलब मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा. कैन आई से 27,748.6 इंटू 5 ईयर्स कितना आ रहा है? 7. ये मेरा क्या है, पूरा रिटर्न. इतना मेरे को रिटर्न आया होगा. और मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है? 9,20,000. तो कैन आई से मुझे मिल जाएगा मेरा पूरा रिडेम्पशन अमाउंट, विच कम्स टू 5 ईयर्स. मैंने एवरेज प्रॉफिट इंटू 5 ईयर्स किया तो मुझे 5 साल का प्रॉफिट मिला. मैंने उस प्रॉफिट में मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाली तो मेरे को रिडेम्पशन अमाउंट मिला.
और मैंने रिडीम कौन से एनएवी पे किया होगा, वो देखो ये रहा कैन, अरे यस और नो 49। तो मैं आपको ये भी मिल गया होगा कि मेरे पास कितने यूनिट्स लास्ट में थे, यस और नो, इतने यूनिट्स मेरे पास थे। बताइए, पूरा इतना तो ड्रिल डाउन कर दिया मैंने। कहाँ तक ड्रिल डाउन कर दिया कि 31 मार्च 2020 तक आपके पास कितने यूनिट्स थे। अब कैन आई से, लेकिन वो यूनिट्स इधर डिविडेंड हुआ है, इधर डिविडेंड हुआ है, इधर डिविडेंड हुआ है, पीछे आपको 3 स्टेप्स जाकर ढूंढना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स थे, यस और नो। तो करते हैं, साथ में करते हैं। सबसे पहले लिख दीजिए डिविडेंड प्लान, सबसे पहले लिख देंगे डिविडेंड प्लान, फ्रेश पेज पे हेडिंग डिविडेंड प्लान लिखा आपने, और उसमें आप सबसे पहले लिख दीजिए एवरेज प्रॉफिट इज 27,748.6, 27,748.6 ये आपका एवरेज प्रॉफिट, बराबर है। नेक्स्ट लाइन, नंबर ऑफ इयर्स 5 इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स 5 इयर्स, ब्रैकेट में चाहिए तो बता दीजिए, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020, कि भाई ये इसलिए हमको मालूम पड़ा कि 5 इयर्स, बराबर। नेक्स्ट लाइन, टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न 138,743, 138,743, कैसे भाई, आपने एवरेज को 5 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल रिटर्न मिल गया। नेक्स्ट लाइन, ऐड योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऐड योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपने अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड कर दी तो आपको मिल जाएगा रिडेम्पशन अमाउंट, बोर्ड पर भी है रिडेम्पशन अमाउंट 1,058,743, ये आपका रिडेम्पशन अमाउंट था, सही है कि नहीं। नेक्स्ट लाइन, डिवाइड बाय एनएवी एज ऑन लास्ट डेट 49, डिवाइड बाय एनएवी, एनएवी एज ऑन लास्ट डेट 49, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ यूनिट्स एज 21,607 यूनिट, 21,607 यूनिट्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अपने को नीचे से ऊपर जाना है, तो बहुत बार अब यूनिट्स के ऊपर यूनिट्स, यूनिट्स के ऊपर यूनिट्स आया होगा, राइट है। इधर देखिए सब लोग, सबसे पहले हम लोग कौन से डेट की बात करते हैं, ये वाली डेट, बराबर है 31 मार्च 2019। क्या ये सेम वैसा ही करेंगे जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन में करा था, याद है आपको, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स बी एक्स। तो मेरे पास 21,607 यूनिट्स थे ओपनिंग यूनिट्स, प्लस ओपनिंग यूनिट्स इनटू, अब 15% डिविडेंड है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है और 15% डिविडेंड, मतलब 1.5 रुपया डिविडेंड आया होगा आपको। आप समझ में आया मैंने जानबूझ से आज पहले वो क्वेश्चन क्यों लिया, 1.5 रुपया आया होगा और आपने उस दिन क्या वैल्यू पे इन्वेस्ट किया था, 45। तो आपको ऑटोमेटिकली एक्स, मतलब कितने यूनिट्स थे उस दिन के डिविडेंड से पहले, वो मिल जाएगा। बताइए कितने थे, 20,910 यूनिट्स। अब मुझे बताओ इसके पहले डिविडेंड कहाँ था, 31 मार्च 2018, क्या फिर से वही इक्वेशन 20,910 बोल दादा बोल, अज्यूम एक्स इंटू कितना है 10%, 1 रुपीज, व्हाट इज द एनएवी ऑन दैट डेट, 50 रुपीज। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताइए फिर से एक बार, एक्स की वैल्यू 20,500 यूनिट। फिर से पीछे और जा रहे हैं, कौन से डेट पर, 31 मार्च 2017, 20,500 इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इनटू
कितना डिविडेंड था, 12%, मतलब 1.2, और उस दिन एनएवी क्या थी मैम, 48। तो अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब आपकी शुरुआत 20,000 यूनिट से हुई थी, कितना परफेक्ट है। तो चलिए, आपने ये नंबर ऑफ यूनिट्स 21607 तक कर लिया था ना, उसके नीचे चलिए बना लीजिए ये नेक्स्ट लाइन। देयरफॉर बाय रिवर्स कैलकुलेशन वी कैन फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी वुड हैव रिसीव्ड वी कैन फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी वुड हैव रिसीव्ड ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेट, ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेट, सही है ना। और अब ये वर्किंग नोट्स बना लीजिए, पहले 31 मार्च 2019, फिर 18 और 17। डन। अब कॉमन सेंस, आपके पास स्टार्ट में अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000 है और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर 9,20,000 है, तो ओपनिंग एनएवी विल बी 46। बना लीजिए, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000 है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9,20,000 होगी, तो आपकी एनएवी 46 होगी। डन बड़ी। अब बोनस की बारी, अब बोनस की बारी, बिल्कुल डरिया मत, करना मुझे ये। अब बोनस में क्या बोला है उन्होंने, एवरेज यील्ड क्या है, 6.4%। अभी देखो नाटक, दे कुड हैव आल्सो स्टेटेड इन प्रॉफिट, बट इंटेंशनली अब एक आंसर प्रॉफिट रुपीस में देना है, एक परसेंटेज में देना, जैसे अपने को आता नहीं, मतलब ठीक है वो नहीं आता है। 6.4%, तो 6.4% यील्ड है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 10 लाख। अब यहां पर भी 5 साल का ही समय है, तो आपने 10 लाख रुपीज पर 6.4% 5 साल के लिए कमाया, मतलब आपने कितना कमाया होगा। पांच साल का चाहिए ना, ऐसे कैसे होता है भाई। अगर एवरेज यील्ड 6.4% है और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट
10 लाख है, तो केनआई से आपका एवरेज रिटर्न 10 लाख इंटू 6.4% मतलब 64,000 होता है। अब अगर आपका एवरेज रिटर्न 64,000 है एंड द नंबर ऑफ इयर्स इज, नंबर ऑफ इयर्स अगर 5 है तो आपका टोटल रिटर्न विल कम टू 3,20,000। एंड बड़ी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही 10 लाख की थी तो आपका रिडेम्पशन अमाउंट कितना होगा? आपका रिडेम्पशन अमाउंट होगा 13,20,000। और अगर आपका क्लोजिंग एनएवी कितना था? 44। तो इसका मतलब लास्ट डेट पर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? परफेक्ट एवरीबडी, सबको समझा? लेकिन अब अपने को इससे तो मतलब नहीं है, अपने को रिवर्स जाना है। तो अब एक बार इधर देखेंगे सब लोग रिवर्स कैसे जाएंगे। अब मुझे बताइए बोनस कितनी बार हुआ है? दो ही बार बोनस हुआ है, बराबर है। अब पहली बार बोनस कब हुआ है? 31 दिसंबर 2018। अब सब इधर देखेंगे, 31 दिसंबर 2018 को क्या बोनस हुआ था? 1:5। इसका मतलब क्या? जिसके पास 5 थे उसको एक और मिलने वाला था। बड़ी एक मिनट, ऐसा समझ के चलूं कि अगर मेरे पास 5 थे तो इस बोनस के बाद मेरे को 6 मिल गए होंगे। इसका मतलब कहना है से ये 30,000 अगर 6 है तो 5 कितना? आप समझे क्या मैं क्या किया? बराबर है ना, अगर मेरे पास पहले 5 थे तो मुझे अब 6 हो गए होंगे, यही 6 मेरे 30,000 है, तो 5 कितना? 25,000। इसके पहले बोनस कब हुआ था? 16 को। बोनस का रेशो क्या था? 1:4, मतलब जिसके पास 4 है उसको एक और मिल गया होगा, मतलब उसके पास अब 5 होंगे। तो कहना है से ये 25,000 ही अगर 5 है तो 4 कितना? 20,000। फुल टाइम पास, मतलब इधर भी आपके पास 20,000 यूनिट्स ही थे, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख की थी, इसका मतलब ओपनिंग एनएवी कैलसी पे ना करें 50 रुपए। कैलसी भी कह रहा है मालिक क्या कर रहे हो, दैट इज 50 रुपए। श्योर अबाउट दिस? पक्का? आप तो ऑब्वियसली पहले ये लिखोगे फिर उसके नीचे वो करोगे ना। यस, चलिए। कर लीजिए पहले एवरेज यील्ड, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सो यू गेट एवरेज रिटर्न इन रुपीस इनटू नंबर ऑफ इयर्स, यू विल गेट योर टोटल रिटर्न।